press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाजी अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। हैं जी नाजी अलाई खान, नाजी को सभी जानते हैं। बहुत शुक्रिया नाजी के आज आप आई हैं। जय श्री राम। ओह माय गॉड, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। नमस्कार अर्जुन जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत थकी हुई हूँ। मुझे पता है बहुत काम कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट जब मैं देखती हूँ ना क्या इतना काम जो है वो फीमेल्स कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं लेडीज, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम बात करेंगे नाजिया, एक नहीं, एक चीज और अच्छी है कि मेरी जिंदगी में ना कोई बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं है, नहीं तो मार के भगा देता, बोलता निकलो तुम मेरी लाइफ से। नहीं वो भी होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए लाइफ को। लेकिन ये जरूर है कि आज एक तो आपके एरिया कोलकाता जो है उसकी बात करेंगे और मुझे वो इसलिए बहुत पसंद है वो एरिया, बिकॉज़ एक मूवी मैंने देखी थी राजेश खन्ना जी की अमर प्रेम, वो वहीं पे पूरा उन्होंने दिखाया था, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एरिया। वहां पे अंडर वाटर मेट्रो जो है उसका इनॉग्रेट करने जा रहे हैं मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले जो है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, उनकी हालत जो है वो बांग्लादेश भूटान और पाकिस्तान से भी खराब है। उसके ऊपर जब मैंने सोलो बनाया तो मुझे भारत से तो खैर दो चार ने बोला, लेकिन दो चार ने मुझे पाकिस्तान से भी सुना दी। लेकिन आप इंडिया में रहती हैं क्या? वाकई में इंडिया में ये हालत है लोगों की? मैं भारत में रहती हूँ सबसे पहली बार। दूसरी चीज है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इकोनॉमिकल ग्राफ को देख करके, हमारे जीडीपी को देख करके, हमारे प्रोजेक्ट्स को देख करके, या बाहर देशों में जिस तरह से भारत का इतना गुणगान गाया जा रहा है, आप पाकिस्तान में बैठी हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से बदतर है मेरा भारत? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, युवाओं के शिक्षा से लेकर के, सबके एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, भारत की उन्नति, भारत की तरक्की, भारत के इम्प्रूवमेंट, भारत के डेवलपमेंट से लेकर के चांद तक का सफर इस भारत ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में किया है। चांद से लेकर के सूरज तक का सफर, अगर इस मनोबल को बढ़ाया है, किसी ने अप्रिसिएशन दिखाया है, किसी ने प्रोवोक किया है, तो वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अब आती है भारत के महिला शक्तिकरण, माँ शक्ति, नारी शक्ति, माँ भारती शक्ति, ये सारी चीजों को अगर एहसास दिलाया है भारत की नारियों को, तो वो मोदी जी है। 1984 से जो शाहबानो और सायरा बानो जो खून के आंसू रो रही थी तीन तलाक के नाम पर, उससे मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मोदी जी है। पॉलीगेमी हलाला जैसी मतलब बदशकल, बदसूरत और अश्लीलता और बेहूदगी से निजात दिलाने वाला मुसलमान बेटियों को कौन है? मोदी जी है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल दे करके महिलाओं को डेमोक्रेसी ऑफ टेंपल, भारत के पार्लियामेंट के अंदर एंट्रेंस गेट देने वाला कौन है? मोदी जी है। तो जितनी भी मैं तारीफ कर दूं, मुझे लगता है कि वो तारीफ फेक तो कोई नहीं बोल सकता है, और आप पाकिस्तान से बैठ करके भी नहीं बोल सकती है, क्योंकि आपके यहाँ तो अरबी में हलवा कोई लिख लेता है तो उसको नंगा कर दिया जाता है उस औरत को, और कितने अश्लील और बेहुदा लोग हैं और अपनी बातों का पाकिस्तान के मुसलमान पुष्टिकरण भी करते हैं कि उनको अरबी ना पढ़नी आती है ना समझनी आती है। आज मैं ओ माई गॉड लिख लूं तो सब पढ़ लेंगे कि अच्छा ओ माई गॉड लिखी और समझ भी लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अरबी में मैं खूबसूरत हूँ ये लिखा हुआ है, ये कोई पढ़ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया। अब मगर उन्होंने मुस्लिम्स या उसकी बात नहीं की है, राहुल गांधी ने उन्होंने होल एक जो उन्होंने नक्शा खींचा है, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है उससे मैं तो खैर एग्री नहीं, लेकिन आपसे मैं जरूर समझना चाहूंगी कि असल हकीकत क्या है। नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार हमेशा से मुसलमानों का परिवार रहा है, और आपके चैनल में भी मुझे शहबाज शरीफ का एक एमएलए बोलता हुआ दिखाई दिया राहुल गांधी के प्रचार में, जो मैंने टोका भी था
कि मुझे तो पता था कि 28 पार्टियां ही जुड़ी हैं कांग्रेस में, ये 29 पार्टी शहबाज शरीफ की कैसे आ गई, चलो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया है। तो ये इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। और हमेशा से देखिए बिलावल भुट्टू बिल्लो रानी यहाँ आई थी, मुसलमान कैबिनेट एजुकेशन मंत्री 1947 से 1977 तक रहे थे, जो बहुत ही नजदीकी थे जिन्ना जी के। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनके बारे में जब मैं पढ़ती हूँ, इतिहास के पन्नों को खोलती हूँ, तो वो भारत के पुत्र कम और ज्यादातर मुझे स्लीपर सेल ही दिखाई देने लगते हैं, एजेंट्स ही दिखाई देने लगते हैं मुसलमान कम्युनिटी के। तो ये जो पांच एजुकेशन मंत्री आए थे, मौलाना अबू कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, तो ये पांच एजुकेशन मिनिस्टर जो कैबिनेट मंत्री थे नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, तो 25 साल में अगर इन्होंने मुसलमानों को शिक्षा की तरफ रागिब किया होता तो आज ये रेड़ी नहीं लगा रहे होते, आज ये संतरा और केला और नारंगी नहीं बेच रहे होते, आज ये चाय दुकान में काम नहीं कर रहे होते, आज ये पराठे की दुकान में काम नहीं कर रहे होते। अब आती है बात कि टीवी चैनल्स पर आकर के और राहुल बाबा के जीप पर चढ़ करके कुछ लोग रोते हुए दिखाई दिए, तो वो उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया पिछले मतलब 60 साल से कहाँ सो रहे थे। अगर मैंने लॉ की डिग्री ली, जब मैंने लॉ की डिग्री ली तो मुझे कोर्ट के अंदर जाने से कोई रोक पा रहा है क्या? कोई नहीं रोक पा रहा है। मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है, क्रेडिबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपने मुझे बुलाया, आप जानती हैं कि नाजिया इस मुद्दे पर बात रख सकती है, तो कोई मुझे नहीं रोक सकता है। आपको 50 फोन भी आ जाएगा कि नाजिया को मत बैठाओ, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक आएगा कि आप सोचेंगे कि नाजिया इसमें अच्छा बोलेगी तो मैं नाजिया को ही बैठाऊंगी। तो अगर अगर जो लोग सिसक रहे हैं राहुल बाबा के गोद में बैठ करके, उनसे ये पूछा जाए कि जब पांच मुसलमान कैबिनेट एजुकेशन मंत्री आया था तो उसने ये क्यों बताया कि बाबर महान है, औरंगजेब अजीम है, शाहजहां बहुत बड़ा प्रेम का भक्त था, उनको ये बताना चाहिए था कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, आईएएस कैसे बना जाता है, आईपीएस कैसे बना जाता है, इंजीनियर कैसे बना जाता है, डॉक्टर कैसे बना जाता है। और कोटे जब खुद एजुकेशन मंत्री जो है, कैबिनेट एजुकेशन मंत्री जब पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर बन के बैठ रहा है, तो कोटे तो वो मुसलमानों को दे ही सकता था। अब आप सोचो कि भारत में 3 लाख से ऊपर जब मदरसे खुल सकते हैं, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन और साइंटिस्ट बनने के लिए और इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए भी मुसलमानों के लिए भी खुल सकता था और बाकी लोगों के लिए भी खुल सकता था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लोग तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा का नारा निकालते हैं, उससे बेटर ये नहीं होता कि वो ये कहते कि मोदी जी हमको इंजीनियर बनाओ, मोदी जी हमको डॉक्टर बनाओ, मोदी जी हमको आईपीएस बनाओ, ये बोलना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी से लेकर के राहुल गांधी तक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी भी अपने फॉलोअर को, अपने भक्तों को, या आप दोनों खुद असदुद्दीन अवैसी और राहुल बाबा दोनों, आप लोग मंच पर चढ़ करके मोदी जी के सामने ये क्यों नहीं कहते कि भारत की बेटियों को साइंटिस्ट बनाना पड़ेगा, भारत की बेटियों को आईएएस आईपीएस बनाना पड़ेगा। अब ये बनने के बाद अगर मोदी जी नौकरी ना दे तब आप करो, तब आप नेगेटिव बोला ना। लेकिन आपको 12 की स्पेलिंग नहीं आती, आपको 11 की स्पेलिंग नहीं आती, आप डीओ डू बोलते हैं और जीओ गु बोलते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको रेडी ही लगाना पड़ेगा। और 72 वर्जिन हूर के दीवाने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनके मुंह पर शोभा भी नहीं देता है। तो मैंने आपको बता दिया कि राहुल बाबा को एक्चुअली में कोई सीरियस नहीं लेता है। और मैंने 3 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस के भीड़ में, कम से कम 1.5 लाख लोगों के भीड़ में मेरी बाइट हो रही थी, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, और उस 1.5 लाख लोगों के सामने मैंने ये कहा कि राहुल बाबा को भारत की जनता और पूरी दुनिया सीरियस नहीं लेती है, एक्सेप्ट मुसलमान और पाकिस्तान सीरियस लेता है, इसके अलावा कोई राहुल बाबा को सीरियस नहीं लेता है। मगर साथ साथ आपके यहाँ एक जो मोदी जी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं अंडर वाटर मेट्रो, तो आप खुद भी उसी जगह से हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये कोई बड़ा स्टेप है और ये इलेक्शन से पहले हो रहा है? खैर वो तो बहुत दिनों से रहा होगा यकीनन इसके ऊपर काम, लेकिन ये भी एक समझेंगे एक प्लस पॉइंट चला जाएगा बीजेपी को? नहीं, देखिए कर्तव्यों का और कर्तव्यों के पालन को
कभी भी हमने कभी सीखा नहीं मोदी जी से कि उसको वोटर्स के तरीके से देखा जाए या इलेक्शन में पॉजिटिविटी के तरीके से देखा जाए। मोदी जी के अंदर मैंने एक ऑरा देखा है कि वो सोचते हैं कि अगर मुझे ये चेयर मिला है तो इससे जनता को और भारत को लाभ होना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब उनको तो ये सपना नहीं आया था कि 2014 में जिस अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन की शुरुआत हुई है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ये उनको सपना नहीं आया था। और उनको इंजीनियर को उन्होंने बोला नहीं था ये जल्दी बना, मुझे लोकसभा में वोट ज्यादा चाहिए, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये एक जो इंजीनियर्स होते हैं जो वहां पर काम कर रहे होते हैं ये उनका परिश्रम होता है और वो साइमल्टेनियसली अगर वो कंप्लीट हो गया है तो उसको उन्होंने इनोग्रेट कर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन और इनकी बातें आपको काफी पसंद आएंगी और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि चर्चा की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन्होंने हाल ही में कलकत्ता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।